तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सबके सब चोर हैं साले। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। इस वीडियो में गाइजर बेसिकली हम कवर करने वाले हैं हमारे OB29 अपडेट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में, जो गाइजर काफी ऑसम है, जिसको गाइजर आप लोगों को देखकर काफी गाइजर मजा आएगा। साथ ही साथ गाइजर हम लोग FF टोकन रिवॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे और यार मजेदार अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और इसी के साथ साथ गाइजर हम लोग जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर के बारे में भी बात करेंगे। आजकल जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर के नाम पे गाइजर एक स्कैम हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या स्कैम हो रहा है गाइजर, इस वीडियो में मैं गाइजर कवर करने वाला हूं। तो मेरी गाइजर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि गाइजर अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर देना और गाइजर वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शाबाश बेटा। तो आप लोगों गाइजर पता ही होगा कि आजकल YouTube में क्या चल रहा है, जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर, ठीक है, जिसको देखकर गाइजर मैं भी गाइजर काफी खुश हूं, क्योंकि गाइजर आजकल बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो गाइजर हमारे जो जस्टिस है उसके गाइजर साथ हो चुके हैं, ठीक है। आपको ये बात पता ही होगी, पहले गाइजर आप लोगों को पता है मैं ही गाइजर बहुत पहले दिसंबर से जस्टिस असिस्ट करता था मैं, मतलब लगभग गाइजर 2020 के दिसंबर से सब करता हूं। आप लोग मेरी ओल्ड वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैंने देखा गाइजर काफी जो सारे यूट्यूबर्स हैं वो भी गाइजर हमारे साथ आए, ठीक है। लेकिन गाइजर इसी के बीच गाइजर कुछ यूट्यूबर्स इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर का। अब क्या फायदा उठा रहे हैं, मैंने देखा गाइजर लोग यार जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर के लिए वीडियो तो बना रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने देखा कुछ बंदे गाइजर सिंपैथी के लिए वीडियो बना रहे हैं। सिंपैथी मतलब बस यार ऐसी जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर कर रहे हैं, उनको गाइजर कोई मतलब नहीं कि जस्टिस मिले या ना मिले, बस यार ऐसी इमोशनल वीडियो बना दे रहे हैं, ऑडियंस को लग रहा है वो जस्टिस के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूं यार वीडियो बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूं कि वो है, लेकिन गाइजर अगर तुम लोग, मेरी एक रिक्वेस्ट है जो वो यूट्यूबर्स यार वीडियो बना रहे हो, अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो यार उसके साथ कुछ स्पैम वैम भी कराओ, जैसे हम लोग करवाते हैं जो क्या बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे, जैसे हमने एस गेमिंग पे कराया था और भी गाइजर आप लोगों को पता है यूट्यूबर से हमने स्पैम करवाया था, तो कुछ ऐसा काम कराओ जिससे गाइजर कुछ जस्टिस मिल पाई। गाइजर अभी यार काफी ऑडियंस गाइजर जाग चुकी है, अभी मैंने देखा जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर काफी तेजी से चल रहा है। तो यार मेरी सारे यूट्यूबर से रिक्वेस्ट, अगर कोई देख रहा है तो यार अगर तुम लोग जस्टिस के लिए कर रहे हो तो यार एटलीस्ट वीडियो, मतलब यार वीडियो तो बना रहे हो वो ठीक है, ठीक है, लेकिन यार वीडियो के साथ कुछ कराओ, क्योंकि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स बस यार सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि लोग ऑडियंस का इनको सपोर्ट मिल जा रहा है। चलो ऑडियंस सपोर्ट कर रही है बहुत अच्छी बात है, बट गाइजर सीन ये कि उन लोगों को गाइजर कुछ कराना भी चाहिए मेरे हिसाब से, ये नहीं कि बस यार आप वीडियो में बोल रहे हो, तो कुछ कराओ, स्पैम कराओ, करें ना कि रेटिंग कराओ, जिससे गाइजर इन लोग को फायदा हो, ठीक है, ऑडियंस लोग को। बस मेरी यार ये रिक्वेस्ट है जो भी यार जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर की वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को पता है हम लोग गाइजर क्या क्या करते हैं, मैंने गाइस टेलीग्राम से स्पैम कराता हूं, क्या क्या करता हूं आप लोगों को ये बात पता ही होगी। मैंने देखा गाइजर यूट्यूबर्स लोग वीडियो तो बना रहे लेकिन गाइजर कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, बस यार मतलब सपोर्ट अपोर्ट ऑडियंस का मिल जा रहा है और ऑडियंस का सपोर्ट मिलकर बस खुश है, तो यार कुछ कराओ तभी कुछ होगा, ठीक है, बस मेरा यार ये कहना है। और ऑडियंस गाइजर आप लोग भी गाइजर उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करो जो गाइजर एटलीस्ट स्पैम करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोग का हेल्प हो, ये नहीं कि बस यार आप लोग वीडियो देख रहे हो उसमें बस वो लोग इमोशनल सॉन्ग लगा दे रहे हैं, करना ये करता है वो करता है, बस खत्म, ठीक है। इससे गाइजर आप लोग कुछ फायदा नहीं होगा, या तो वो कुछ स्पैम करवाए, ऐसे सब गाइजर कुछ सीन हो तो गाइजर कुछ फायदा हम लोग को होगा, आपको ये बात पता ही है, ठीक है। आप लोगों को पता है गरीना फ्री फायर गाइजर कितना स्कैमर गेम है, तो उसके लिए गाइजर कुछ तो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा, तभी गाइजर कुछ होगा। वीडियो में बस यार बोलने से बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, जैसे गाइजर हम लोग स्पैम वैम कराते, तो वो सब आप लोग भी कराओ जो जो यूट्यूबर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो गाइजर खैर छोड़ो उस बात को, अब हम बात करते हैं हमारे गेम पे आने वाले कुछ अपडेट्स के बारे में। तो पहला जो अपडेट है ना वो गाइजर हमारे गेम पे आने वाले OB29 अपडेट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, ठीक है। तो गाइजर मैं आप लोगों को बता दूं, जब यार हमारा गेम पे OB29 अपडेट आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोग गाइजर यहाँ पर क्लैश स्क्वाड में गाइजर एक चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्लैश स्क्वाड कस्टम या फिर क्लैश स्क्वाड नॉर्मल मैच में, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं क्लैश स्क्वाड में गाइजर एक ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन जुड़ जाएगा रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जब आप लोग यार सामान वामान बाय करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर गाइजर आप लोग एक रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बाय वाला ऑप्शन आप लोगों को पता ही होता ही है, लेकिन एक रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। अब यार रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन किस काम का है, आप लोग अपने दोस्त को रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि जैसे आप लोग कुछ वेस्ट वेस्ट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग ने अपने दोस्त को भेज दिया कि भाई मेरे को वेस्ट, मतलब आप लोग का माइक वाइक ओपन नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को माइक वाइक में प्रॉब्लम है, तो आप लोग डायरेक्ट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन से जो आप लोग को चाहिए तो आप लोग ने वो सिलेक्ट कर दिया, जैसे आप लोग को वेस्ट चाहिए तो आपने वेस्ट सिलेक्ट कर दिया, तो आपका जो फ्रेंड है उसको आ जाएगा और आपका जो फ्रेंड है वो आप लोग को वेस्ट भेज देगा और आप लोग डायरेक्टली उधर से यार वेस्ट ले सकते हो। ये गाइजर मेरे को काफी अच्छा गाइजर फीचर लगा गरीना फ्री फायर का, ठीक है। अब इससे होगा कि जिस जो बेचारे यार माइक वाइक ओपन नहीं कर पाते वो डायरेक्टली क्लैश स्क्वाड ऐसे उसमें भी मांग पाएंगे जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती है, जैसे किसी को M187 चाहिए होता है, जिसको जो भी चाहिए होता है तो वो गाइजर मांग पाएंगे। तो आप लोगों का ये अपडेट कैसा लगा मुझे गाइजर कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट गाइजर हमारे गेम पे आने वाले हमारे एडम चचा के फेवरेट गाड़ी से, क्योंकि गाइजर उस गाड़ी पे गाइजर एडम चचा अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको गाइजर घुमाने लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइजर सामने आप लोग देख सकते हो, तो ये जो आप लोगों को चार गाड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है, इसी चार गाड़ी में गाइजर हमारे एडम भैया का प्लान है, गाइजर कभी कैली भाभी को लेकर जाएंगे, कभी पुलोमा को,
कभी गाइजर किसी को कभी किसी को, मतलब कैली के तो मजे हैं ठीक है। तो ये जो चार जो मतलब गाड़ी काफी ओपी है, तो ये गाइजर कहा जा रहा है जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब लोकेश अंबानी, ज्ञान भाई अंबानी, सुनीता बहन अंबानी कैसे इवेंट में आएगा गाइजर ये आप लोगों को पता नहीं ठीक है, क्योंकि गाइजर अंबानी परिवार वालों के इवेंट से भी आ सकता है, जिसके गाइजर मतलब जो अंबानी परिवार से बिलोंग करता है, जिसके पास काफी डायमंड्स है जो अंबानी लोग की तरह, तो वो गाइजर इसको गाइजर आराम से निकाल लेंगे। बट जो गाइजर बंद अंबानी परिवार से नहीं है, तो तुम लोग के लिए गाइजर ये वाला इवेंट नहीं है ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डायमंड्स हैं तुम लोग के लगने वाले। तो बात करते हैं गाइस हमारे गेम पे आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट गाइस हमारे गेम पे आने वाले एक और न्यू मैक्लेरन के इवेंट्स है ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, सामने आप देख सकते हो ये जो गाइस आप लोगों को लक रॉयल देखने को मिल रहा है मैक्लेरन इवेंट में बेस गाड़ी का ठीक है। नीचे में गाइस आप लोगों को गाड़ी देखने को मिल रही है जो गाइस काफी ओपी है ठीक है। तो ये वाली जो गाड़ी की स्किन है गाइस कहा जा रहा है ऐसी गाइस आप लोगों को लक रॉयल पे देखने को मिलेगी। आप लोगों को पता है जब भी कोई कोलैबोरेशन होता है तो इन लोगों ने कोलैबोरेशन के लिए एक अलग लक रॉयल बना दिया। सारे कोलैबोरेशन के जो बंडल्स होते हैं वो इसी वाले लक रॉयल पे आते हैं, कभी मैक्लेरन का हो गया, कभी स्ट्रीट फाइटर का हो गया, सारे गाइजर आप लोगों को पता है इसी लुटेरे इवेंट में आते हैं ठीक है। गाइजर मेन बात तो ये कि गाइजर दूसरे सर्वर में ये जो इस वाले इवेंट का डायमंड का स्पिन होता है गाइज बहुत कम होता है, मैंने गाइजर आप लोगों को दिखाया। अभी गाइजर जैसे भी हमारे गेम पे आ जाएगा ये वाला इवेंट तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दूसरे सर्वर में गाइजर हमारे आधे डायमंड में इस वाले इवेंट पे स्पिन रहती है, मतलब जो गाइजर स्पिन हमारे वहाँ 30 डायमंड की रहती है, मैंने देखा वहाँ पर बस 15 डायमंड्स में होती है, मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया ठीक है। पता नहीं गाइजर गरीना वालों को क्या इंडियन सर्वर से प्रॉब्लम है, मतलब गाइजर लक रॉयल पे भी स्कैम, इसमें भी स्कैम, उसमें भी स्कैम, मतलब स्कैम फ्री फायर इसका नाम यार परफेक्ट था ठीक है। नेक्स्ट अपडेट गाइजर हमारे गेम पे आने वाले पति पत्नी बंडल्स है। तो गाइजर मैं आप लोगों को बता दूं करीना फ्री फायर एक ऐसा गेम है जो पति पत्नी बंडल्स लाते रहता है। तो गाइजर सामने आप देख सकते हो ये जो गाइजर आप लोगों को बंडल दिख रहा है जो पति वाला, जो गाइजर काफी ओपी है ठीक है। तो आजकल बहुत सारे सर्वर फ्री फायर मैक्स के रिवॉर्ड्स में भी आ रहे हैं ठीक है। तो ये पति वाला बंडल है और जो पत्नी वाला बंडल है वो भी गाइजर काफी सर्वर पे आ रहा है फ्री फायर मैक्स के रिवॉर्ड में। अब पता नहीं गाइजर ये हमारे सर्वर पे किस इवेंट में आएगा, ये गाइजर अभी कुछ कंफर्म नहीं है मतलब, लेकिन गाइजर जो दो बंडल है ये गाइजर कंफर्म हो चुके हैं कि गाइजर ये आप लोग गेम पे देखने को मिलेंगे ठीक है। तो आप लोगों को गाइजर ये दो बंडल्स कैसे लगे मुझे गाइजर कमेंट से बताना। मुझे गाइजर मीडियम लगे, ठीक ठाक लगे, मतलब ना ही ज्यादा तगड़ा ना ही ज्यादा वो खतरनाक, मेरे को गाइजर मीडियम लगे। आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। बात करते हैं गाइज हमारे फाइनल अपडेट के बारे में। तो फाइनल अपडेट गाइज हमारे FF टोकन के रिवॉर्ड्स है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लोग गाइज मुझे पूछ रहे थे कि भाई हमारे FF टोकन के रिवॉर्ड्स में क्या आएगा। तो देखो गाइज रियलिटी बताओ तो अभी किसी को भी पता नहीं है कि FF टोकन रिवॉर्ड्स में क्या आएगा, पहले बात तो गाइज यार ये है ठीक है। अब FF टोकन रिवॉर्ड्स में गाइजर देखो बहुत सारे बंदे लोग मुझे पूछ रहे थे ये वाला बंडल आजकल काफी चल रहा है, ये जो लेफ्ट साइड में आप लोगों को नीला बंडल देखने को मिल रहा है क्या ये हमारे FF टोकन ये सब में आएगा। तो देखो यार FF टोकन में मुझे नहीं लगता कि ये नीला वाला बंडल आएगा, क्योंकि आप लोग खुद सोचो FF टोकन होता है फ्री का, और फ्री मतलब गाइज गरीना फ्री फायर मतलब यार इतना तगड़ा आइटम्स नहीं देगी, जिसमें गाइज फ्री होता है तो उसमें गरीना इतना तगड़ा बंडल नहीं देती है, और ये बंडल दिखने में ओपी है ठीक है। ये जो बंडल है इसके तो मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, बाकी गाइजर रिवॉर्ड्स भी गाइजर अभी कुछ क्लियर कंफर्म्ड नहीं है, जब गाइजर मुझे पूरा कंफर्म पता लग जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी यार सब लोग गाइजर कुछ भी ऐसे बना रहे हैं, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। गोल्ड रॉयल देख लो, गोल्ड रॉयल पे गाइजर आप लोगों को कितने सारे बंडल दिख रहे हैं, मतलब क्रिमिनल बंडल भी गाइज गोल्ड रॉयल पे ढाला है तब भी गाइजर ऑडियंस ने क्लिक किया, वाह भाई वाह, मैंने देखा एक बंदे ने क्रिमिनल बंडल ढाला है ठीक है, उसमें भी गाइजर लोगों ने क्लिक किया वो भी गोल्ड रॉयल के अंदर। तो जो भी गाइजर अभी जैसा भी है, बस गाइजर आज की इस वीडियो में इतना ही, तो बाय गाइस यार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में ठीक है।